नमस्कार, स्वागत है आपका एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव में। मैं हूं रंजीता पठारे और हाजिर हूं आज के भारत एक खोज में। आज भारत एक खोज में हम जानेंगे एक ऐसे प्रेमी जोड़े का इतिहास जिनका भारत की आजादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम आज जानेंगे अरुणा और आसफ अली का इतिहास। भारत की आजादी में कई महान क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया और देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इन्हीं क्रांतिकारियों में से कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी हुए जो अपने जीवन साथी के साथ देश के लिए कुर्बान हो गए। ऐसे ही क्रांतिकारियों में से एक प्रेमी जोड़े का नाम भी शामिल है जिन्होंने एक दूसरे के लिए कई दीवारों को तोड़ते हुए प्रेम विवाह किया और देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसे महान दंपत्ति का नाम अरुणा और आसफ अली है। इन्होंने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे में हमारे लिए इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। इन दोनों से जुड़े कुछ बातें, कुछ ऐसी रोचक बातें आज हम बता रहे हैं जिनसे आपको भी प्रेरणा मिलेगी और आपको भी लगेगा कि अगर दीवार भी फानी है, दीवार भी छलांग कर गए हैं, तो देश के लिए कुछ अच्छा कर गुजर कर नाम रोशन किया है। जब अरुणा की मुलाकात हुई आसफ अली से, अरुणा का जन्म 16 जुलाई 1909 में पंजाब के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम अरुणा गांगुली था। इनके पिता उपेंद्रनाथ गांगुली एक रेस्टोरेंट के मालिक थे। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई नैनीताल से पूरी की थी। बचपन से ही अरुणा पढ़ने में काफी अच्छी और क्लास में पहली पोजीशन लाया करती थी। इसके बाद वे लाहौर के सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट कॉलेज में उन्होंने दाखिला ले लिया। यहां से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद कलकत्ता के गोखले मेमोरियल स्कूल में अध्यापिका के पद पर नौकरी करने लगी थी। इसी कड़ी में दिलचस्प बात यह है कि इनकी मुलाकात हुई आसफ अली से, जो कांग्रेस के सक्रिय और पेशे से एक वकील थे, नेता के साथ एक वकील, जिनका जन्म 11 मई 1888 में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इन्होंने दिल्ली के स्टीफन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और अपनी पढ़ाई के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में कूद चुके थे, जिनके लिए कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। आसफ अली 1914 से पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। बहरहाल अरुणा की मुलाकात जब आसफ अली से हुई तो इनके विचारों से वे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। दोनों की मुलाकात ने एक दूसरे के विचारों को समझा, धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी और अरुणा आसफ अली के बीच प्यार का परवान चढ़ने लगा, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। हालांकि अरुणा एक हिंदू ब्राह्मण थी जबकि आसफ एक मुस्लिम थे। यही नहीं, आसफ उम्र में भी अरुणा से काफी बड़े थे, लेकिन इन्होंने सभी बेड़ियों को तोड़ते हुए एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। इसके बाद 1928 में आसफ अली 21 साल की अरुणा गांगुली से शादी के बंधन में बंध गए। अरुणा गांगुली आसफ अली से शादी करने के बाद अरुणा आसफ अली बन गई और इसी नाम से मशहूर हुई, जिसके बाद दोनों को परिवार और समाज की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, मगर इनके बावजूद दोनों हमेशा साथ रहे। शादी के बाद दोनों ने आजादी की लड़ाई में अपना बहुमूल्य योगदान दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे। 8 अप्रैल 1929 में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फोड़ा, जिसके बाद दोनों गिरफ्तार हो गए और इन पर मुकदमा चलाया गया। फिर आसफ अली ने ही इस केस में अपने हाथों में इस केस को लिया और भगत सिंह व उनके साथियों की पैरवी करने लगे। 1930 में गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू किया था, तो अरुणा पहली बार इस आंदोलन में शामिल हुई और कई स्थानों पर इस आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, जिसके लिए अरुणा आसफ अली को ब्रिटिशों ने गिरफ्तार भी कर लिया था। एक साल की सजा भी सुनाई थी उन्हें। जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर से आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें दोबारा जेल की हवा खानी पड़ी। इस बार अरुणा ने जेल के अंदर मुजरिमों के साथ होने वाली अमानवीय व्यवहारों के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। 1935 में आसफ अली को मुस्लिम राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से केंद्रीय विधानसभा सदस्य के रूप में चुना गया। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों के खिलाफ दोबारा विधानसभा सदस्य मनोनीत हुए। आजादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेनानी लगातार ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। कई आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू हुए थे।
इसी बीच महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। अंत में अरुणा ने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया था और ब्रिटिशों को खुला चैलेंज भी दे दिया था। कहा जाता है कि इस दिलेरी की वजह से अंग्रेजों ने अरुणा की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। हालांकि अरुणा को इस घटना के लिए अंग्रेज गिरफ्तार करने में नाकाम रहे। आजादी के बाद अरुणा ने अपनी एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई। बाद में इनकी पार्टी का भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में विलय हो गया। कुछ दिनों बाद अरुणा ने इस पार्टी का साथ छोड़कर दोबारा कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया और दिल्ली की पहली महिला मेयर बनी। इनके योगदान को देखते हुए 1975 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार और जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं 29 जुलाई 1996 में अरुणा आसफ अली ने भी इस दुनिया से अलविदा कह दिया। इनकी मृत्यु के बाद इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दिल्ली की पहली महिला मेयर बनी थी आसफ अली। भले ही समाज की कई रीतियों को तोड़ा हो, कई सीमाओं को लांघा हो, लेकिन इनका अंत भारत रत्न के साथ हुआ। भारत रत्न जो हमारे देश का सर्वोच्च रत्न है, इन्हें इसे सम्मानित किया गया था। आज के भारत एक खोज में इतना ही था। इतिहास से जुड़े ऐसे ही वीडियोस की जानकारी के लिए बनी रही है NS News Exclusive के साथ। थैंक यू। गुड नाइट।